हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे ब्लूटूथ एयरफोन्स हैं तो ब्लूटूथ एयरफोन्स के नेटवर्क को हम कैसे अपने फ़ोन में डिसकनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं। इसमें से आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही हमारे फ़ोन के ऑल आइकन से अपने आते हैं। इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पर। तो क्लिक करते जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में इस प्रकार से बन जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ एयरफोन्स के नेटवर्क हैं उसको हम कैसे अपने फ़ोन में डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो डिसकनेक्ट करने के लिए इसमें से आपको क्लिक कर देना है कनेक्शन सेटिंग पे। तो क्लिक करते जो हमारी फ़ोन की कनेक्शन सेटिंग से बन जाएगी। फिर आपको क्लिक कर देना है ब्लूटूथ ऑप्शन पे। क्लिक करते जो हमारी ब्लूटूथ सेटिंग्स भी ओपन हो गई है। तो जो हमारे एयरफोन्स के नेटवर्क है हमारे फ़ोन में कनेक्टेड है, तो हम इसको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस साइड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिसकनेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ एयरफोन्स के नेटवर्क हैं डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो इस पर यानी फ़ोन की सेटिंग भी आकर ब्लूटूथ एयरफोन्स के नेटवर्क को हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।